आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग मनोज कुमार सिंह ने चरगावा विकास खंड के जंगल रामगढ़ उर्फ रजही के सामुदायिक शौचालय का किया निरीक्षण। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता कर व्यवस्थाओं के लिए जानकारी, दिखे संतुष्ट। दीपावली के अवसर पर 1,01,000 दीयों से रोशन हुआ नौकायन केंद्र। सदर सांसद सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व नागरिकों ने जलाया दीप, मंगलमय जीवन की कामना। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं राजस्व की अध्यक्षता में संपन्न हुई 14वें वित्त आयोग की संतुतियों संबंधी बैठक गांवों की आय एवं रोजगार सृजन तथा संसाधन को मजबूत बनाने के दिए निर्देश। दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन है पूरी तरह मुस्तैद। एसएसपी ने कहा, सिविल पुलिस, पीएसई, ट्रैफिक पुलिस करेगी सुरक्षा की निगरानी, प्रमुख स्थलों पर रहेंगे तैनात। सुरक्षा के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट व मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने टाउन हॉल स्थित पटाखा दुकानदारों के साथ किया मॉक ड्रिल, विक्रेताओं को आग से बचाव की दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक। कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार वितरण के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आर्नामेंटल लाइट से जगमग हुआ गोरखनाथ रोड, आकर्षित हुए लोग, कहा बड़े शहरों की तरह सुसज्जित हो रहा है गोरखपुर जनपद। दीपावली और छठ पर्व को लेकर राजकीय रेलवे पुलिस पूरी तरह से है सतर्क और मुस्तैद। नवागत एसपी रेलवे ने कहा, यात्री अपने सामानों की सुरक्षा के साथ करें सुरक्षित यात्रा, दिक्कत आने पर 112 नंबर पर करें कॉल। लोकगीत कलाकारों की टीम ने युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निर्णायक मंडल पर पक्षपात और धांधली का लगाया आरोप, न्याय की लगाई गुहार। दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर निगम की तैयारी पूरी, 70 वार्डों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 127 केंद्रों पर कुल 7,366 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,243 और सेकेंड डोज लेने वालों में 5,123 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, बच्चों को पटाखों से रखे दूर, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। कचहरी क्लब के मैदान में लगाई गई 3 दिवसीय पटाखा की दुकानें, पटाखा विक्रेताओं ने कहा, पहले दिन बिक्री है थोड़ी कम, बुधवार से बिक्री बढ़ने की है उम्मीद। और 5 नवंबर को 21,000 दीपों से जगमग होगा राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट, समिति के अध्यक्ष व पार्षद संजय श्रीवास्तव ने दी जानकारी।